आईसी, तो ये 78 वाला आईसी होता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, ये 78 वाला आईसी है। तो इसकी सप्लाई चार्जर के अंदर कहाँ कहाँ जाती है और कौन कौन से सेक्टर एम्पलीफाई करने के लिए ये ड्राइवर सेक्शन लगाया गया है। और उसके बाद ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के बाद ये हमारा IN4148 डायोड लगा हुआ है, दो सेक्शन बने हुए हैं ड्राइवर, यहाँ से ये हमारा आउटपुट मोसफेट को स्विचिंग। DC 337 MPA ट्रांजिस्टर रहेंगे, DC 327 जो है PNP ट्रांजिस्टर रहेंगे, और ये दोनों के दोनों ड्राइवर सेक्शन में लगे होते हैं, जो कि हमारे 3525 की पिन नंबर 11 और 14 से ड्राइव सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। ड्राइव सिग्नल जो निकलता है हमारा यहाँ पे, हेलो फ्रेंड्स, ABC टेक उत्तर नगर ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ई रिक्शा का जो एग्जूम चार्जर होता है उसके जो आउटपुट सेक्शन है हमारा 78-12 IC का जो सेक्शन है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 78-12 IC। तो ये 78-12 IC होता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली, ये 78-12 IC है। तो इसकी सप्लाई चार्जर के अंदर कहाँ कहाँ जाती है और कौन कौन से सेक्शन को ऑन करती है, हम इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे ड्रेसिंग से। तो पहले हम डायग्राम के थ्रू इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं कि डायग्राम, ये हमारी प्राइमरी वेल्डिंग है, मेन स्विचिंग ट्रांसफार्मर की ये सेकेंडरी है, दो हमने शॉर्टली डायोड लगा रखे हैं यहाँ पे AC से BC करने के लिए, ये यहाँ पे हमारा 78-12 IC लगा हुआ है। 78-12 का काम होता है कि 30 वोल्ट लेके यहाँ पे ये नंबर 2 AC ग्राउंड है, नंबर 3 12 वोल्ट आउट करेगी, तो ये चार जगह पे जाता है चार्जर के अंदर 12 वोल्ट। सबसे पहले ये 12 वोल्ट जाएगा चार्जिंग रेड LED के द्वारा, वो ऑन करने के लिए 2.2K की रजिस्टर के द्वारा प्लस 12 वोल्ट यहाँ पे जाएगा। तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ये रही चार्जिंग LED, ये रेड LED बिल्कुल, तो यहाँ पे एक 2.2K की रजिस्टर लगी रहती है ये वाली, तो इसके द्वारा ये रेड LED चलेगी, तो जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमारा चार्जर जो है चल पड़ा है और स्विचिंग मोसफेट हमारे जो है वो काम कर रहे हैं, तो चार्जर ओके है हमारा। नंबर 2 पे ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है हमारे यहाँ से आ रही है, देखो ये जाएगी 3525 IC ड्राइवर सेक्शन में, DC 337 और DC 327 ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए। तो मैं आपको ये सेक्शन दिखा रहा हूँ अभी कि कहाँ पे है ये सेक्शन, ये हमारा ड्राइवर सेक्शन है, ये देख लीजिए, ये ड्राइवर सेक्शन है हमारा, ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोनों, अंदर वाले BC 337 है, बाहर वाले 327 है, ये अंदर वाले NPN है तो बाहर वाले दोनों PNP ट्रांजिस्टर हैं, ये ड्राइवर सेक्शन है, और ये 3525 से जो 11 और 14 से 3.2 वोल्ट का जो सिग्नल जनरेट होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए ये ड्राइवर सेक्शन लगाया गया है। और उसके बाद ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के बाद ये हमारा IN4148 डायोड लगा हुआ है, दो सेक्शन बने हुए हैं ड्राइवर, यहाँ से ये हमारा आउटपुट मोसफेट को स्विचिंग करके चलाते हैं। तो ये तीसरी जगह पे जो हमारा 12 वोल्ट है ये जाएगा हमारा रिले को ऑन करेगा, रिले को ऑन करता है प्लस 12 वोल्ट। तो हम हैंड टू हैंड दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए रिले लगी हुई है ये वाली, तो रिले को यहाँ पे 12 वोल्ट जाएगी, तो ये चेक करके आपको दिखा सकते हैं सर, दिखाइए इनको, ये चेक करके आप दिखाना जरा, ये भाई सर यहाँ पे सीख रहे हैं, तो ये आपको दिखाएंगे कहाँ से ये रिले का 12 वोल्ट है, यहाँ से इनका जो 78-12 है, आपने यहाँ पे एक पिन लगानी है ये आउटपुट में, तो ये देखिए यहाँ पे लगा के दिखाओ, बीप आ रही होगी यहाँ पे, इस तरफ देखिए, इस तरफ तो बीप नहीं आ रही, देखिए यहाँ पे ये 12 वोल्ट यहाँ पे हमारे आ रहे हैं, तो रिले की 12 वोल्ट सप्लाई है, यहाँ पे रिले की माइनस सप्लाई है। तो अभी हम दिखाते हैं ये चार नंबर पे रिले की 12 वोल्ट जो है वो कहाँ आ रही है। तो हमारा जो चौथा 12 वोल्ट है ये हमारा फैन को ऑन करता है प्लस 12 वोल्ट। तो हमारा फैन जो है वो 12 वोल्ट से तो चलता है, बीच में इसके BD 140 PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, BD 140 PNP
ट्रांजिस्टर। तो ये हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए ये 7812 है, यहाँ पे ये 7812 है, यहाँ से जो सप्लाई जा रही है हमारी 12 वोल्ट की, ये पहले यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर देखिए जंपर डीप मोड पे चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है, ये पेन का मार्क भी निशान भी लगा रखा है, क्लोज कर लो थोड़ा। 12 वोल्ट हमारा यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये लगा हुआ है पीएनपी ट्रांजिस्टर BD140। तो ये आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये BD140 है, ये वाला जो दिख रहा है आपको छोटा सा ट्रांजिस्टर, ये वाला। तो इसके कलेक्टर पे सप्लाई आएगी और इमीटर से यहाँ से बीच में से ये जंपर लगा के, देखिए ये यहाँ पे जंपर लगा के फैन की लाल तार निकल आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो तारें हैं, फैन की लाल और काली तार, ग्राउंड तो कॉमन रहती है, तो ये प्लस 12 वोल्ट यहाँ से फैन के लिए निकल आएगी। अभी ये जो फैन है इसके बेस को चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर है 470 ओम की, तो ये आ रही है हमारे कलेक्टर से BC337 ट्रांजिस्टर से, NPN है लगा हुआ, ये साथ में देखिए लगा हुआ छोटा सा ब्लैक कलर का, तो ये दिख रहा आपको थोड़ा दूर से, ये वाला ये उसके साथ ही लगा हुआ ये वाला, तो ये BC337 NPN है। तो ये माइनस प्रोवाइड करेगा इसके बेस पे, इमीटर इसका ग्राउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ग्राउंड है, और इसका जो ये बेस है, बेस को रजिस्टर लगा के IC से सप्लाई आ रही है, तो जैसे ही यहाँ प्लस आएगा तो ये माइनस का माइनस आउट करेगा, तो PNP के बेस पे माइनस चाहिए तो ये प्लस का प्लस आउट करेगा फैन के लिए, तो मेन IC से कमांड आएगी, तब जब ये चार्जर MOSFET स्विचिंग करेंगे उसके बाद हमारा फ़ैन अपने आप जो है चालू हो जाता है, ऑन हो जाता है। यदि हमारा फ़ैन ख़राब हो जाए तो हमें ये जो है फ़ैन का जो सर्किट है, हम इसको बेस को डायरेक्ट ग्राउंड भी कर सकते हैं, ये जो हमारा बेस है BD140 का, ये वाला बेस, इसको यहाँ से एक जंपर मार के डायरेक्ट ग्राउंड कर दें तो हमारा फ़ैन जो है वो चल जाएगा। तो आगे हम ये जो सर्किट है तो इसको पूरी तरह हमारा यहाँ पे देखिए रिले का लगी हुई है, तो रिले में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है रिले के लिए, तो ये भी फैन और रिले का सर्किट दोनों ही दोनों एग्जीक्यूट चार्जर के अंदर सेम रहते हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो चार्जिंग LED है हमारी रेड LED, जब ये चल जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारा चार्जर ओके है और बिल्कुल सही चल रहा है, ऑन हो चुका है और स्विचिंग MOSFET जो है हमारे स्विचिंग कर रहे हैं। 3525 IC ड्राइवर सेक्शन, BC337 NPN ट्रांजिस्टर रहेंगे, BC327 जो है PNP ट्रांजिस्टर रहेंगे, और ये दोनों के दोनों ड्राइवर सेक्शन में लगे होते हैं, जो कि हमारे 3525 की पिन नंबर 11 और 14 से ड्राइव सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। ड्राइव सिग्नल जो निकलता है हमारा यहाँ पे 3.21 निकलता है 3525 की 11-14 पिन से। रिले को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट है, फैन को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट है। तो ये जो हमारा 7812 का 12 वोल्ट है ये सिर्फ चार जगह पे जाता है पूरे के पूरे चार्जर के अंदर, उसी प्रकार हमारा ये एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो इसी प्रकार सेक्शन बाय सेक्शन अगर हम ट्रेस करते हैं चार्जर को, तो चार्जर को 2-4 दिन में हम बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से तरीके से इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको चार्जर को और ज़्यादा स्टडी करना हो तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको बड़े ही आराम से एज्यूम चार्जर को सीख सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। जिसको ट्रेसिंग वगैरह आती है तो 3-4 दिन में बंदा इसको, या अपने स्टूडेंट वगैरह जो भी है सीखना जाता है तो वो जल्दी समझ सकता है इसको। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, कोई इसमें टफ सिलेबस नहीं है, बस एक समझाने का तरीका होता है और ट्रेसिंग करने का तरीका होता है और इसको सेक्शन वाइज सेक्शन समझने का तरीका होता है। कि जैसे कि आपको PCB के अंदर बता रहा हूँ कि ये सेक्शन कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये सोचा। अभी हमें सेक्शनों की नॉलेज हो जाए और ट्रेसिंग की नॉलेज हो जाए और कितनी जो है यहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी है, कौन सी वोल्टेज कैसे चेक करनी है, कैसे कौन सी IC को चेक करना है, तो इतनी नॉलेज हो जाए तो हम ये सारा चार्जर बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे और भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे कि लैपटॉप, LED TV, PCB, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज और मोबाइल वगैरह का। तो अगर आपको फ्री डेमो क्लासेस लेनी है तो हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए और आप यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन के लिए फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे संपर्क करने के लिए उत्तर नगर ABC टेक इंस्टीट्यूट में कॉल कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।